नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं क्रेडिट कार्ड के हॉट लिस्टिंग के बारे में। दोस्तों क्या होता है, और दोस्तों काफी लोग से पूछते हैं कि हॉट लिस्ट क्या होता है। अगर हमारे संग मान लो हमारा कार्ड अगर खो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, या हमारा कार्ड चोरी होता है, तो हमें कैसे अपने कार्ड को जो है ब्लॉक करना है और कैसे न्यू कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों हर बैंक की अलग अलग सिस्टम, अलग अलग पॉलिसी होती है, बट दोस्तों HDFC बैंक का थोड़ा पॉलिसी अलग है। तो चलिए हम बता देते हैं कि मान लो अगर आपका कार्ड आपके जेब में था, पर्स में था, खो गया, चोरी हो गया, गिर गया, तो कैसे आप उसे ब्लॉक करवा के न्यू कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर देखना अंत तक, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अपने क्रेडिट कार्ड से नेट बैंकिंग को ओपन कर लेता हूं, क्योंकि मेरा HDFC बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। मैं क्रेडिट कार्ड से नेट बैंकिंग ओपन कर रहा हूं, फिर मैं आपको आगे वाला प्रोसेस बताता हूं। तो मैं लॉगिन करके ले चलता हूं। कर लोगे तो आप यहां पे साइड में देखोगे तो यहां पे एक ऑप्शन आ रहा है, क्रेडिट कार्ड हॉट लिस्टिंग। यहां पे आप लोग देख सकते हो ए वाला ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, और अगर आपका कार्ड खो गया है, आप कार्ड को रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हो, तो आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो फटाफट मैं क्लिक करके आगे आपको लेकर चलता हूं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कार्ड पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, अपने कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे सेव था, आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने कार्ड के नंबर के लिए मैंने क्लिक किया, मैंने कार्ड का नंबर यहाँ पे चूज कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो रीजन लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे रीजन लिखा है। तो रीजन में देखो यहाँ पे एक लॉस्ट लिखा है, तो आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है यहाँ पे कि आपका जो कार्ड है अगर वो लॉस हो गया है, खो गया है, दोस्तों आप जो है ऊपर वाले पे टिक मार कर देना। और दोस्तों अगर मान लो आपका जो कार्ड है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको चाहिए, आप चाहते हो कि मुझे एक कार्ड मिले दोस्तों, तो अगर आपका कार्ड चोरी हो गया है दोस्तों, तो आप दोस्तों नीचे वाले टिक मार करके दोस्तों यहाँ पे आपको यस करना है। तो पहले मैं यहाँ पे सबका कार्ड दोस्तों खो ही जाता है दोस्तों, तो आपको ऊपर वाले दोस्तों आपके टिक मार के छोड़ देना है। और यहाँ पे दोस्तों देखो एक ऑप्शन है यस का और नो का। अगर दोस्तों आप जो है यहाँ पे अगर यस पे टिक मार लगा है दोस्तों, अगर आप यस पे टिक मार करके छोड़ के अगर आप सबमिट करोगे तो न्यू कार्ड आपको बैंक इशू कर देगा कोरियर सर्विस के थ्रू। अगर दोस्तों आप नो पे क्लिक करके छोड़ दोगे तो बैंक आपको कार्ड नहीं देगा दोस्तों, आपको कार्ड नहीं मिलेगा, फिर बाद में आपको कॉल करके रिक्वेस्ट डलाना पड़ेगा। तो आपका कार्ड अगर खो गया है तो इस तरीके से दोस्तों अपने कार्ड को आप ऑर्डर कर सकते हो, रिप्लेसमेंट करवा सकते हो। ये तरीका तो मेरा कार्ड खोया नहीं है, मैंने आपको ये वीडियो सिर्फ जो है दिखाने के लिए दोस्तों बनाया है कि अगर आपके संग होता है तो ये वीडियो आपके काम में आ सके, आप आसानी से अपने इस पूरे प्रोसेस को कर सको। दोस्तों ये होता है हॉट लिस्टिंग का मतलब। और अगर आपके संग ऐसा कभी होता है तो आप दोस्तों कस्टमर केयर में कॉल करके आप इसे दोस्तों करवा सकते हो। अगर दोस्तों आपको नहीं आता है तो आप दोस्तों अपना नेट बैंकिंग से क्लिक करके आसानी से यहां से आप कर सकते हो। अगर दोस्तों मान लो आपको क्रेडिट कार्ड से नेट बैंकिंग बनाना है और आप नहीं बना पा रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बना कर दूंगा कैसे आपको क्रेडिट कार्ड से नेट बैंकिंग ओपन करते हैं, पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में शेयर करूंगा। तो आपको चाहिए तो प्लीज अधिक कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपको एक लाइव वीडियो आपको बनाकर दूंगा। बाकी और कार्ड के बारे में अगर आपको जानना है, और बैंक को क्रेडिट कार्ड के बारे में कैसे ब्लॉक करना है, कैसे हॉटलिस्ट करना है, आप मुझे बताना, उसके बारे में और वीडियो आएगा, आप मुझे नाम जो है कमेंट में जरूर बताना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।